भिलवाड़ा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने अंतः जिला चोरी और लूट गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने के आभूषण, 1 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस ने सभी आरोपितों को बापरदा रखा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे कई और वारदातों के खुलासा होने की भी संभावना है। एसपी प्रीति चंद्रा ने कहा कि जिले में लगातार चोरी और लूट की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा डॉक्टर राजेश भारद्वाज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जिसने अथक प्रयास के बाद निम्बाड़ा निवासी पवन भवाई, राहुल जिनगर, गंगापुर निवासी रमेश गाडरी, रियाज मंसूरी, रायपुर निवासी कन्हैया सालवी, महेंद्र सालवी, राजू सालवी और करेड़ा निवासी शंकर कुमावत को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सोने की 12 रामनवमी, 9 मांदलिये, 8 मोती और 2 नथ सहित 1 ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने जब्त करी है। में कई इस तरह की वारदातें हुई हैं पिछले साल भर में, जिसमें महिला के गले से रामदाना या महिला के गले से किसी तरह का जो मादलिया है उस तरह का, कानों से बाली तोड़ लेना, इस तरह की कई घटनाएं साल भर में भीलवाड़ा जिले में हुई हैं। आप लोग भी समय समय पर इस प्रकार की घटनाओं की गंभीरता को रिपोर्ट करते रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए कि घटनाएं गंभीर हैं और इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाना चाहिए, ज़रूरी भी है, उसको देखते हुए हमने एडिशनल एसपी सहाड़ा के नेतृत्व में सीओ गंगापुर सिटी और आपके एसएचओ कारोई, एसएचओ रायपुर, एसएचओ गंगापुर, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और बाकी हमारे सारे जवान उस टीम में जो बाकी हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, इन सब ने बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य करते हुए एक अंतर जिला गैंग इसमें पकड़ी है। इस गैंग के 8 लोगों को, 8 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और इन 8 लड़कों से पिछले साल भर में भीलवाड़ा ज़िले में हुई तकरीबन 1 दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा हुआ है और जिसमें रिकवरी भी अधिकतर मामलों में कर ली गई है। अभी तक की गई रिकवरी में 12 रामनवमी हैं, 9 मादलिये हैं, 5 मोती हैं और 2 नथ हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में इनसे और पूछताछ करेंगे, पुलिस रिमांड लेंगे तो और भी इनसे रिकवरी होने की उम्मीद है। जो ज़िले से बाहर की भी कुछ वारदातें हैं उनमें भी दूसरे ज़िलों के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और वो भी इनको बाद में प्रोडक्शन वारंट पर लेके अपने खुद के यहाँ की वारदातों पर कार्रवाई करेंगे। इसमें जिन टीम ने काम किया है सारा ऑपरेशन एडिशनल एसपी सहाड़ा और उनकी टीम का है, इसलिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ और साथ ही अच्छे काम करने वाले सभी अधिकारियों को पृथक से पुरस्कृत करने का काम भी किया जाएगा। धन्यवाद।